हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रूपा और आज मैं आ गई हूँ सफोला मसाला ओट्स के और एक नए फ्लेवर के साथ। मेरे चैनल में पहले दो नए सफोला मसाला ओट्स के रिव्यू है, जाके चेक कर सकते हो। और आज आ गई हूँ एक ट्विस्ट के साथ, सफोला मसाला ओट्स मुंबई पाव भाजी। आज मैं इसको ट्राई करूंगी और इसका टेस्ट कैसा है, क्या है, पूरा के पूरा सारे चीज आप लोग के साथ शेयर करूंगी। अगर अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस 3 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी सफोला मसाला ओट्स मुंबई पाव भाजी। तो चलिए लेट्स बिगिन। सफोला मसाला ओट्स मुंबई पाव भाजी बनाने के लिए मैंने पैन चढ़ा दिया है और अभी ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून रिफाइन ऑयल। ऑयल को थोड़ा गर्म होने दीजिए। ऑयल हमारा गर्म हो गए है, ऐड कर देंगे एक स्मॉल साइज का अनियन एकदम फाइनली चॉप किए हुए। इसको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अनियन हमारा सौते हो गए है, ऐड कर देंगे एक स्मॉल साइज का टमाटर, इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है, थोड़ा सा सौते कर लेंगे। ऐड कर देंगे एक ग्रीन चिली फाइनली चॉप किए हुए और उसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। ऐड कर देंगे 100 ml वाटर। ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून सॉल्ट। पानी में उबाल आ गए हैं तो अभी ऐड कर देंगे सफोला मसाला ओट्स मुंबई पाव भाजी के एक पैकेट। ये है 32 ग्राम के एक पैकेट, 15 रुपीज का। तो मैं ऐड कर रही हूँ पूरा के पूरा एक पैकेट और मिला दूंगी और बस 3 मिनट के लिए इसको पका लूंगी। भाजी तो हमारा रेडी हो रहे है, बहुत ही अच्छा एरोमा आ रहे है। तो चलिए अभी पाव को सेक कर तैयार कर लेते हैं। पाव सेकने के लिए मैंने गैस पे तवा चढ़ा दिया है और अभी ऐड कर रही हूँ बटर। बटर को थोड़ा सा मेल्ट होने दीजिए। ऐड कर दूंगी पाव, ऐसे ऐड कर दीजिए। 30 सेकंड के लिए एक साइड को सेक कर तैयार कर लेंगे। पाव को अभी पलट देंगे, देख लीजिए कितना अच्छा क्रिस्पी कोट आ गए है। तो दूसरे साइड को भी एक बार सेक लेंगे। पाव हमारा रेडी हो गए है, तो चलिए अभी भाजी को देख लेते हैं क्योंकि 3 मिनट हो गए है। भाजी भी हमारा इस साइड पे एकदम रेडी है, देख लीजिए पूरा के पूरा पाव भाजी जैसे ही एरोमा आ रहे हैं। तो चलिए गैस को बंद कर देते हैं और इसको सर्व कर देते हैं। मेरी सफोला मसाला ओट्स मुंबई पाव भाजी अभी एकदम रेडी एंड सर्व्ड। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही।